एक्सरसाइज क्वेश्चन टू पॉइंट वन जीरो वाट रोल डज द मोलिक्यूलर इंट्रैक्शन प्ले इन अ सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इसका मतलब क्या हुआ कि एल्कोहल एवं जल के एक विलियन में आणविक अन्योन्नयिक क्रिया की क्या भूमिका है तो चलिए इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए अल्कोहल एंड वाटर बोथ आर फॉर्म इंटरमोलिक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका मतलब यही हुआ कि अल्कोहल और जल दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल एज वेल एज वाटर मोलिक्यूल सेपरेटली इसका मतलब यही हुआ कि जब एल्कोहल और जल जब अलग अलग होते हैं यानी सोल्यूशन बनने से पहले तब उनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहता है वो स्ट्रांग रहता है ठीक है अब आगे देखिए आफ्टर मिक्सिंग ऑफ एल्कोहल एंड वाटर द इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एल्कोहल एंड वाटर मोलिक्यूल्स इज कंपेरेटिवली वीक अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एल्कोहल और जल को जब मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन बनने के बाद जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है उनके बीच का वो वीक हो जाता है ठीक है एज कंपेयर टू जब हमारा सॉल्यूशन बनने से पहले का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था ठीक है अब जब सॉल्यूशन के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो गया तो फिर क्या होता है हेंस दिस शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल स्लो मतलब कि अब वो सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा ठीक है यहाँ पे लास्ट पॉइंट देखिए एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर विल वेपर प्रेशर एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ वाटर एंड अल्कोहल तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि जब अल्कोहल और वाटर का जब सॉल्यूशन बनता है तो हाइयर वेपर प्रेशर होता है और जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है ठीक है अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आखिर भेपर प्रेशर ज़्यादा क्यों होगा अब भेपर प्रेशर ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक हो जाता है अब वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है तो फिर वो आसानी से भेपराइज हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब भीपर बनेगा तो भेपर का प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा सॉल्यूशन के ऊपर ठीक है